अभी ये दिखा बिन ची देखी बिन टॉप टच बिन वाह एलीट फील हो रहा है ये देखो ये बिन ले लो तुम 17 की कोई मतलब नहीं है महंगी स्टूडेंट्स ना वो यूज्ड कैरी बैग है ना वो यूज कर लो अपने बिन के लिए स्टूडेंट के लिए भाई हैक है भाई लाइफ हैक है पॉइंट पैसे है तो तुम जो मर्जी खरीद लो हम तो ये वाले बंदे कि हम तो टॉयलेट का ब्रश भी खरीद ले है बहन के लोड़े रख दे बता रहा हूँ मैं टॉयलेट का ब्रश है ये पाउंड का है पाउंड का है पाउंड में ही होगा रुपए में तो मिलने से रहा एक पाउंड का है क्या ये अरे 3.5 पाउंड का नहीं ये 3.5 पाउंड का ये तो प्राइमार्क से ले लेना 1 पाउंड का है ये छूती है एक पाउंड का ये ब्रश जो दिख रहा है ये 1 पाउंड का है इससे सस्ता क्या मिलेगा बताओ ट्रॉफी मिलेगी निशांत को ये 1 पाउंड का है और ये थोड़ा फैंसी चाहिए ऐसा वाला ये वाला तो ये 3.5 पाउंड का है तुम्हारी मर्जी क्या है जो भी खरीदना खरीद लो तो मतलब जो भी अगर इंडिया से आ रहा है ये एक इंपॉर्टेंट चीज भी है कि 1 पाउंड में क्या मिलता है लोगों को लगता होगा कि क्या मिलता है 1 पाउंड की तो वैल्यू नहीं है लेकिन देखो 1 पाउंड में चीजें मिलती है 1 पाउंड में यहाँ पे चीजें मिलती है ऐसा नहीं है कि 1 पाउंड की कोई वैल्यू नहीं है 1 पाउंड की बहुत वैल्यू है 1 पाउंड में ऐसी चीजें यहाँ पे मिलती है पेंस की भी मिलती है चीजें और 1 पाउंड की भी मिलती है तो 1 पाउंड की वैल्यू है गाइस इसकी बातें मत सुनो ये टॉवल लो सलमान खान जैसे ऐसे कर लो स्टेप अच्छा था सलमान खान यार मेरे को लॉन्ड्री बास्केट की वेयर नहीं जाऊंगा मैं पहले उधर स्टार्टिंग में आते बार लॉन्ड्री बास्केट जो फ्लैट नहीं थी वो लॉन्ड्री आयनिंग बोर्ड है ये 19 पाउंड का है यहाँ पे अगर तुम पूछो ये 19 पाउंड का है ये बास्केट से बड़ी बड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज है जब हम लॉन्ड्री कहीं पे भी रहते हैं हाँ लॉन्ड्री के लिए बोलो या कोई भी चीज अकोमोडेशन में भी बहुत तुम घर से आते हो तुम्हारे पास बहुत छोटा इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह लेके आते हो तो अगर तुम्हारे पास ड्रॉर नहीं है शेल्फ नहीं है तो ये बेस्ट है ऐसी चीजें खरीद लो ये बास्केट से ये खरीद लो ऐसे वाले ये 35 पाउंड की गंदी से बास्केट ये तो चूतिया सी है और ये कैसी है सबसे बेस्ट चीज शूज लवर के लिए ये देखो शू रखने का ये दिखाइए मेरे को शू रखने की बास्केट खरीद रहा हूँ बेटे शू रखने की बास्केट अगर तुम शू लवर हो तुम्हारे पास स्नीकर्स है और तुमको ये चाहिए तो ये बेस्ट चीज़ है तुमको डब्बे अगर नहीं रखने और तुमको शूज देखने भी है कि कौन से है तो ये नेट भी है इसमें तो ये ऐसा दिखेगा वो लेकिन यार यार आइकिया सच में बहुत अच्छा है हाँ ना इसका वीडियो ले ये जो बोला इसने अभी आइकिया बहुत अच्छा है मैं ज्यादा इंप्रेस हो रहा हूँ इतने पैसे फूक के कहीं ये बहुत सस्ती जगह है और बहुत अच्छी तो ये तुम ले लो ऐसे फोल्ड होके लेके घर जा सकते हो 2.5 पाउंड का ये 3.5 पाउंड का ये है 2.5 पाउंड का ये है तो ऐसे और छोटे छोटे शेल्फ वाओ क्यूट ये देखो छोटे छोटे शेल्फ तुमको ड्रॉअर अगर तुम ऐसी जगह रहते हो और 22 पाउंड का छोटे छोटे शेल्फ तुम मतलब मर्जी तुम्हारी है बड़े शेल्फ है हर चीज़ अवेलेबल है आईकिया में आईकिया इज द बेस्ट प्लेस टू कम इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड इफ यू लिविंग इन यूके बेस्ट प्लेस हैंड्स डाउन अरे मैं कह रहा हूँ चीनी के लिए स्टोरेज ले लेते हैं अरे हो तो गया बंद चीनी में खाता ही नहीं बता सुमित या नहीं अब सुमित ने मना कर दिया अब तेरे को ही लेना पड़ेगा ठीक है कोई बात नहीं हाँ ब्लूपर्स में आना चाहिए हैं चूतिया हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आईकिया में हमें लगता है कि फर्नीचर मिलता है ये सब मिलता है नहीं अगर आपको किसी भी चीज़ कोई भी फर्नीचर मूव करना है उसको व्हील्स भी यहाँ से सेपरेटली व्हील्स खरीद सकते हो जैसे ये छोटे व्हील्स हैं बड़े व्हील्स हैं डायरेक्ट फर्नीचर को अटैच करो यहाँ पे स्क्रू होल्स हैं स्क्रूज भी आते हैं इसके साथ वो तुम फर्नीचर को लगाओ और मूव करो सोफे को मूव करना है बड़ी किसी चीज़ को मूव करना है लगाओ और मूव करो बहुत सारे लोगों को लिंट रोलर के बारे में पता नहीं होता लिंट रोलर बेसिकली जो तुम्हारे शर्ट या कोई भी कपड़े पहनते हो उस पर वाइट जो ऐसे थ्रेड दिखते हैं ना वाइट तो लिंट रोलर उसके लिए यूज़ होता है ऐसे ऐसे करो तो पूरा निकल जाता है वो तो लिंट रोलर यहाँ पे 75p का है 75 रुपये का है एकदम बहुत सस्ता चीज़ है 75 रुपीज़ और उसके रोल्स भी एक्स्ट्रा हैंगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर स्टूडेंट हो हैंगर यहाँ नहीं मिलेंगे वार्डरोब तुमको मिल जाएंगे उसके साथ हैंगर तुमको खरीदना पड़ेगा तो यहाँ पे हैंगर 4 पाउंड के 8 पीस है और ये स्ट्रॉन्ग वाले मैं जैसे प्राइमार्क वगैरह जाओगे योर राइट जैसे प्राइमार्क वगैरह जाओगे तो तुमको सस्ते वाले मिलेंगे लेकिन बहुत लो क्वालिटी के चीप मिलेंगे उससे ना तुम्हारे जो कपड़े हैं वो गिर जाएंगे या तो मतलब जैकेट्स वगैरह हैंडल नहीं कर पाएंगे हैवी वाले और ऑब्वियसली यहाँ पे ठंड होती है तो जैकेट्स तो तुमको तो बड़े वाले तुमको मजबूत वाले चाहिए ऐसे थोड़े स्टर्डी चाहिए तो ये बेस्ट है 4 पाउंड के या अगर इससे सस्ते मिलते हैं लेकिन मोटे वाले लेना इंपॉर्टेंट वो है अभी मैं बैक के सेक्शन में आया हूँ और बैक के सेक्शन में बहुत एक अच्छी चीज़ मेरे को मिली है ये इतनी बड़ी बैग तुम अगर कहीं मूव कर रहे हो तुमको अगर ज़्यादा सामान कैरी करना है एक साथ में 6 पाउंड की बैग है 6 पाउंड की बैग है तो यहाँ पे ना जैसे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि तुम जब प्लग कोई भी लाते हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लाओगे ना तो ये वाले पिन के अगर लेके आओगे तो ज़्यादा रहेगा तुम ऑब्वियसली यूनिवर्सल चार्जर तो लाओगे तुम अडेप्टर तो लाओगे यूनिवर्सल अडेप्टर
लेकिन ये अगर तुम यहीं पे आके खरीद लो ऐसी चीज़ें तो बेटर रहेगा, फिर तुम यहाँ से ऐसे वो पिन वाले सॉकेट भी खरीद सकते हो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि तुमको फिर हर जगह यूनिवर्सल अडेप्टर लेके घूमना पड़ेगा, दैट इज़ लाइक अ बिग हेडेक टू बी ऑनेस्ट। हाँ तो ये लैम्प्स हैं यहाँ पे लगे हुए ना, और ये सब काफ़ी सस्ता वाला 10 pound का था, मैं अपने रूम के लिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ओबियसली स्टूडियो जैसा सेटअप किया अभी, कैमरा वीडियो, तो ये काफ़ी सस्ता वाला है, 10 pound का ही है, बाकी 40-50 pound के है, तो मैं ये वाला ले रहा हूँ, ये वाला ले लिया। लेकिन इधर एक और एक स्कीम है कि तुमको इसके साथ ना लाइट नहीं मिलता, तो मेरे को और एक 6 pound का लाइट खरीदना पड़ा इसका, तो मैंने वो भी ले लिया। यहाँ पे ये अभी LED स्ट्रिप्स भी है अगर तुमको अपने रूम सजाना है, और यहाँ पे बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि यहाँ पे क्या ना रूम बहुत डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, तो अगर ऐसे LED स्ट्रिप्स चाहिए तो IKEA में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, छोटे छोटे ये देखो, ये चीज़ें खरीद लो अगर तुमको जॉब वॉब लग गई हो तो। भाई जॉब लग गई ना मैं खरीद दूंगा IKEA पूरा। ये बंदा IKEA खरीदने वाला जॉब लगने का, इसका शेयर है देखो IKEA के शेयर्स भी और IKEA बंद कर दे भाई, मैं आता हूँ उसके भी है। ये देखो वॉच तुम्हारे घर के लिए, अगर तुमको वॉच चाहिए, वॉच है क्लॉक सॉरी तुमको तुम्हारे घर फक घर पे तुम्हारे अगर तुमको क्लॉक चाहिए तो ये क्लॉक है, इतनी बड़ी फैंसी सी क्लॉक, और यहाँ पे पूरी लगी हुई है, 5 pound की क्लॉक है ये, 5 pound से 5 pound की वॉच मिल रही है तुमको, ले लो क्लॉक 5 pound, ये 5 pound की क्लॉक है, अच्छी भी दिख रही है एक्चुअली, उस तरफ फ्रेम्स है। हाँ सस्ती से सस्ती चीज़ है ये, क्या मार्कर है क्या, ब्लैक बोर्ड चॉक पेन, ये तुम्हारा ब्लैक बोर्ड है, चॉक पेन है, स्टूडेंट है तो ये बेस्ट चीज़ है। फिर से ये पेंटिंग्स भी लगी है यहाँ पे, पेंटिंग्स भी बिकती है, पूरा घर का पूरा डेकोर पूरा एक यही हो जाएगा, तुम यहाँ घर बना सकते यार, ये ले लें भर प्लीज़, नहीं भाई, भाई तुम यहाँ घर बना सकते हो, यहाँ नहीं बना सकते हो लवड़े, यहाँ से बना सकते हो, यही बना सकते हो, घर यहीं खड़ा कर लेना अपनी गांव पे। अरे वो चाहिए ना भाई, असली लेते हैं नकली नहीं, कहाँ पे मिलेंगे असली, मैं बताऊंगा तेरे को, यहीं मिलेंगे ना। हाँ यहाँ मिल जाएंगे, चल नहीं मिले तेरी गांड में दे दूंगा मैं, फोटो फ्रेम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्पेशली लड़कियों को मैंने देखा है, अरे वाह, लड़कियां यहाँ पे आती बहुत, लड़कियां ने देख ली 1000 photos लेके आती है अपने रूम में लगाती है, तो उनके लिए बेस्ट चीज़ है कि तुमको सारे यहाँ पे फ्रेम्स मिलेंगे अपने रूम में, जितनी मर्जी जहाँ लगाना, और सस्ते मिलेंगे यहाँ पे बल्क में। अरे निशान ये तो बता कौन सी लड़की देखी, पता नहीं मैंने देखी नहीं लड़कियां, अभी तो कह रहा था बहुत लड़कियां देखी, तेरे को देखा ना मैं तेरी जैसे बात कर रहा हूँ, लड़कियां देखी इसके जैसी, ये लड़की जैसे ये 2.5 pound की सुंदर सुंदर छोटे छोटे फ्रेम्स है, सुंदर सुंदर छोटी छोटी सुंदर सुंदर छोटी छोटी। अरे मेरे साथ फिर तू ये मत करियो कि आम बकचोदी कर रहा हूँ मैं, कह दे उसको अभी, कह रहा हूँ मैं इसको, कह दे नीचे उतर ले, कह दूंगा मैं बाद में कह दूंगा। कैंडल्स क्रिसमस का पूरा ये देखो, और जो पार कर गया ना मैं मान जूंगा, फुर्सत फुर्सत कह रहा लंड फुर्सत नहीं है। IKEA का अंत होने लगा, अभी हम लोग चेकआउट की तरफ जा रहे हैं, सामान जो भी हमने सारा ले लिया पूरा भर गया हमने, जो हमने सोचा था कि ज्यादा नहीं लेंगे, नहीं नहीं ये चूती है तो ये कह रहे थे ये भी क्यों ले रहे, ट्रॉली क्यों ले रहा है भाई, कुछ नहीं मैंने लेना। मैंने बोला था ट्रॉली ले करके लेना था, मैं गलौड़े गांड मार दूंगा, एक तो इसकी बहन गलौड़े गे वाले आदत छोड़ दे, या मेरे से दूर रहा कर, सही है भाई, सेल्फ सर्विस करते हैं क्यों बंदे पे। अरे ले भाई मैं चल लूंगा यार, क्या तुम भी दे दो छोड़ दे, तो अभी जो हमारे जो लड़के हैं दो झगड़ रहे कि इतनी बड़ी बैग, हमने सामान तो ले लिया, अभी ये बैग कौन उठाएगा, ये कौन करेगा, वो कौन। IKEA से बाहर आ गए हम लोग, IKEA का एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा तो बहुत अच्छा, IKEA का एक्सपीरियंस मतलब मैं कहता रहा हूँ मैं IKEA खरीदने वाला हूँ। हाँ ये IKEA खरीद लेगा, ये कह रहा है जॉब मिल गई तो IKEA खरीद लेगा। हाँ ये पहली बार IKEA से नहीं खरीदूंगा मैं, कह रहा हूँ IKEA खरीदूंगा, मार्क माय वर्ड्स, सही है। तो IKEA का अभी सफर यहीं पे हमारा खत्म होता है, तो जो भी स्टूडेंट्स या जो भी कपल्स ये वीडियो देख रहे थे या देख रहे हैं अभी, तो IKEA जरूर आए, गिव इट अ ट्राई, आपको चीज़ें पसंद आएगी, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, पैसे अफोर्डेबल चीज़ है, और आई थिंक हमें तो पसंद आया काफ़ी। बिल्कुल मेरा सेकंड टाइम था, इसका फर्स्ट टाइम था, सुमित का भी फर्स्ट टाइम था, मेरा तो साला इंडिया का भी जीरो ही टाइम था, फर्स्ट टाइम मैं भी इंडिया में IKEA नहीं गया, नहीं गया, नहीं नहीं गया, जरूरत ही नहीं पड़ी, तो सही था, मतलब ये हमारे लिए सही था। आप भी यहाँ पे आके जरूर एक बार विजिट करें, अगेन लास्ट बार कह रहा हूँ, पैसे नहीं मिले, प्रमोशन का एक पैसा नहीं मिला, ये सारा पैसे था, प्रमोशन मिला है, सारा इतनी दूर नहीं आते, सही है, ये पैसे से खरीदा है भैया, पैसे से पसीने का खून और पसीने का पैसे से खरीदा ये सामान।
ऑलराइट गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर फॉर गेटिंग अपडेट फॉर न्यू वीडियोस बोलेगा प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग अपडेट फॉर न्यू वीडियोस एंड स्टे विद द चैनल प्लीज. थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be...